क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। या देवी सर्वभूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो गाइस, दिस इज पार्थ देसाई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टॉक्सिक नूब्स। आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन की डिमांड भी तो वही है ना। हम सब लाइफ में और सोशल मीडिया में तो बड़े बड़े डिंगे हाँकते हैं अबाउट वुमन एम्पावरमेंट, वुमन सेफ्टी, वुमन रिस्पेक्ट एंड वुमन इक्वालिटी, लेकिन अपने जीवन में उसे किस हद तक हमने समाया है वो भी एक देखने वाली बात है। ऐसा कहते हैं कि सिविलाइजेशन की शुरुआत इंडिया और चाइना से हुई थी, लेकिन इस हालत में अब एक क्वेश्चन उठता है कि आर वी रियली लिविंग इन अ सिविलाइज्ड कंट्री, डू वी रियली हैव अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, क्या हम उस सिविलाइजेशन के लायक हैं? इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आइए पहले कुछ देखते हैं। वी हैव द बेस्ट कल्चर, इन आवर कल्चर देयर इज नो प्लेस फॉर अ वुमन। Gang rape of a 23-year-old girl on her way home from a movie triggered an awakening that took many by surprise. According to the latest government figures, one woman is now raped in India every 20 minutes. ज्योति सोती थी तो आँख खींचती थी, तब कहती मम्मी मम्मी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती। सुना आपने, हर कोई शरीफ लड़की जो होती है वो रात के 9 बजे अकेले नहीं घूमती। क्यों क्यों भाई, इक्वालिटी के जमाने में जी रहे हैं ना हम? इंडिया 2020 का गोल जो हमने रखा था ना, वो क्या हमें ये सिखाता है कि लड़कियों को 9 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्यों क्यों? देखो आगे, जितनी 15-20 मिनट गाड़ी चली है मैंने चलाई थी, लाइटें बंद कर दी थी उन्होंने, भाई था मैंने जिस लड़की को मारा था, जाके वो सीटों के बीच में छुप गया बस। लड़की चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, हमारे को फिर मारपीट के पीछे ले गए, हाथ आ जा रहे थे बारी बारी से। जो नए कपड़ा निकालने से करो उसने हाथ डाला, कुछ ऐसी चीज थी अंदर से लंबी लंबी सी निकली थी, अतड़िया ही थी कुछ। The lady on the other hand we can say the girl or women are more precious than a gem, than a diamond. If you put your diamond on the street, certainly the dog will take it out. You can't stop. एक ही कलम डालना के मेरे बेटा को भगवान ने जब बुढ़ापा का सारा बनिया था उठा के खंदा पे जला देगा, उसको हमने देखा जलाते। आखिरी बार जब हम उसको हॉस्पिटल में मिले, उसने हाथ में हमारा हाथ लेके चूमा और बोला कि सॉरी मम्मी, हमने आपको बहुत तकलीफ दिया, आई एम सॉरी। क्या लिख रहे हैं? 1 in 3 वुमेन ग्लोबली इज बीटन। आर वी लिविंग इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड राइट? 1 in 3 women globally is beaten, forced into sex or abused. 1 in 5 will become a victim of rape or attempted rape. सही है भाई, इंसान है हम तो, most civilized animal, right? Okay,
तो ये था इंडियाज डॉटर्स करके जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री आई है उसका ट्रेलर था ये। एंड इसमें जो दिखाया है आप देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन बेसिकली द पॉइंट इज कब तक, एक हद तक एक लिमिट आ जानी चाहिए किसी भी चीज की, किसी भी बात की। लेकिन अब पूरा इंडिया पूछ रहा है कब तक। एक साल पीछे चलेंगे हम। हैदराबाद में रेप केस के आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। पूरे देश ने इसकी काफी सराहना की थी। इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि खोखली सरकार और कमजोर संविधान, खोखली सरकार और कमजोर संविधान के बहानों को आग में झोंका है, खोखली सरकार और कमजोर संविधान के बहानों को आग में झोंका है, उठा के बेड़ा खाकी ने हैवानों को ठोका है। तो प्रियंका रेड्डी को यहाँ पर एक तरीके से न्याय मिल गया। निर्भया रेप केस और हत्याकांड जो हुआ था दिल्ली में 2012 में, उनके आरोपियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा देकर एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन उनके अलावा जो हर रोज सुर्खियों में आते नहीं है, ऐसे कई रेप केसेस और कई अत्याचार के मामले जो नोट भी नहीं होते और सुर्खियों में नहीं आते, उनके लिए कौन लड़ेगा? क्यों, हो गई फिल्म खत्म, सब खुश हो गए, अपना सोशल मीडिया पे जो देशभक्ति थी, लड़कियों के प्रति जो अपनी भावनाएं थी, वो तो हमने सबने बहा दी। लेकिन अब क्या, क्यों चुप हो गए? ये चुप्पी ही तो है जो अपना रंग दिखाएगी। यही चुप्पी वक्त के साथ आदत बन जाएगी, अब यही चुप्पी वक्त के साथ आदत बन जाएगी। कल से फिर से लोग देखने लगेंगे गलत नजरों से, कल से फिर से लोग देखने लगेंगे गलत नजरों से, क्योंकि अब तो लड़की फिर से गैर नजर आएगी, क्योंकि अब तो लड़की फिर से गैर नजर आएगी। रातें भर जाएंगी तड़कती चीखों से, रातें भर जाएंगी तड़पती चीखों से, क्योंकि अगले ही दिन सुबह कोई और लड़की अखबारों की हेडलाइन बन जाएगी, क्योंकि अगले ही सुबह एक और लड़की अखबारों की हेडलाइन बन जाएगी। अरे रुको जरा, अरे रुको जरा, क्योंकि नई कहानी अगले दिन नए किरदारों के साथ नजर आएगी, क्योंकि यही कहानी अगले दिन नए किरदारों के साथ नजर आएगी। फिर से शुरू होगा तमाशा, फिर से शुरू होगा तमाशा, और धीरे धीरे हम सब भूल जाएंगे। फिर से होगा शुरू तमाशा और धीरे धीरे हम सब भूल जाएंगे। तभी तो वो नाम के मर्द, तभी तो वो नाम के मर्द अपनी औकात दिखाएंगे। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर जिसपे रेप हुआ है और जिसने रेप किया है वो अपोजिट जेंडर के हो, जैसे कि एग्जाम्पल से ले तो प्रियंका रेड्डी के केस में कोई पाशा था, फिर ट्विंकल के केस में कोई मोहम्मद अशरफ था, और आसिफा के केस में कोई पंडित था, तो पूरी पॉलिटिक्स और मीडिया उसको बस यही चीज हाईलाइट करते हैं और यही चीजें बताकर भीड़ को पूरा धर्म धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। तो उनके लिए भी मैंने कुछ लिखा है कि होगा शुरू एक नया तमाशा और हम सब भूल जाएंगे, कि होगा शुरू एक नया तमाशा और हम सब भूल जाएंगे, और धर्म के नाम पर ये टट्टू अपनी औकात दिखाएंगे, कि बांटेंगे लाश को नाम से जुल्मी का मजहब बताएंगे, कि बांटेंगे लाश को नाम से और जुल्मी का मजहब बताएंगे, इंसाफ का पूरा रास्ता बदल के लोगों से धर्म युद्ध छिड़वाएंगे, इंसाफ का पूरा रास्ता बदल के लोगों से धर्म युद्ध छिड़वाएंगे, कि देखना ये हैवानियत एक दिन जंग बन जाएगी, कि देखना ये हैवानियत एक दिन जंग बन जाएगी, लोगों को बांटने की राजनीति झाड़ने की, खुद को उभारने की और महानता वकारने की एक दौड़ बन जाएगी, एक दौड़ बन जाएगी। इस महाभारत में हर बार द्रौपदी ही लुट जाएगी, इस महाभारत में हर बार द्रौपदी ही लुट जाएगी, क्योंकि कलयुग में ऐसी ही झूठी मर्दानगी छा जाएगी, क्योंकि इस कलयुग में ऐसी ही झूठी मर्दानगी छा जाएगी। अरे रुक जाओ जरा, अरे रुक जाओ जरा, एक और दिन यही कहानी नए किरदारों के साथ नजर आएगी, एक दिन यही कहानी नए किरदारों के साथ नजर आएगी। कुछ सवाल है मेरे जहन में जो पूछना है सरकार से, कमजोर संविधान से और उन लोगों से
कि क्यों हाथ डालने से पहले वो नहीं ठहराता, कि क्यों हाथ डालने से पहले वो नहीं ठहराता, अंजाम के डर से वो क्यों जुल्म नहीं रोक पाता, अंजाम के डर से वो क्यों जुल्म नहीं रोक पाता, क्यों देश अभी भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, क्यों देश कभी भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, ऐसी इंसानियत उन जालिमों के लिए क्यों, ऐसी इंसानियत उन जालिमों के लिए क्यों, जो खुद एक इंसान नहीं बन पाया, जो खुद एक इंसान नहीं बन पाया। सो गाइस, ये हालत है आज देश की। एक युवा होने के नाते आप सबसे बस एक ही नसीहत है कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ना ही ये कोई धर्म से रिलेटेड मुद्दा है, ये इंसानियत का मुद्दा है। सो अगर देश को आगे बढ़ाना है और सही अर्थ में वुमन एम्पावरमेंट करना है तो हम सबको ही एक साथ सुधरना पड़ेगा। इसकी शुरुआत खुद आप से होगी, आप सुधरेंगे एक एक करके देश सुधरेगा। और सरकार से भी मेरी बस एक ही गुजारिश है कि ऐसा मंदिर ही क्या काम का, ऐसा मंदिर ही क्या काम का जहाँ पे सीता ही सुरक्षित ना हो। तो इन सब मुद्दों से आगे बढ़ के आप इन सारे लॉज को थोड़े से ज्यादा बेहतर बनाइए, मजबूत बनाइए और संविधान को जरा मजबूत करिए, ताकि जुल्मी एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार ऐसी कोई करतूत करने से पहले सोचे कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा उसके साथ। और लास्ट में तो बस यही कहूँगा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से, या फिर मैं भी बोलता हूँ कि ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला अगर हम खुद ना सुधरे, क्योंकि कुछ सरकार नहीं कर सकती जो संस्कार कर सकते हैं। तो सुधरो खुद से और देश को आगे बढ़ाओ। दिस इज योर बॉय पार्थ देसाई एंड आई एम साइनिंग ऑफ।